आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं, एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी और ज्ञानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलू में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, असामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, ओ यीशु, तुम हो तारनहार, इस जग के पालनहारे। हालेलुया, यीशु यीशु, तुम हो तारनहारे, हारे जग के पालनहारे, हारे यीशु यीशु, तुम हो तारनहारे, हारे जग के पालनहारे, हारे यीशु मसीह मेरा जीवन, जीवन उसके लिए मैं जीऊंगा, उठा करके क्रूस मैं अपना उसके ही पीछे चलूं, पीछे मुड़ के ना देखूंगा, क्योंकि मेरी नजर यीशु पर। यीशु यीशु, हाँ, तुम हो तारनहारे, हारे जग के पालनहारे, हारे यीशु तारनहारे, हारे जग के पालनहारे, हारे मेरे लिए यीशु आया, आया पापों से मुक्ति दिलाया, दिलाया वो मेरे दिल में समाया, समाया सारे दुखों को मिटाया, मेरे दिल ने सुने अपना बना लिया। यीशु यीशु, तुम हो तारनहारे, हारे जग के पालनहारे, हारे यीशु यीशु, तुम हो तारनहारे, जग के पालनहारे, महिमा तेरी करता जहां और करते हैं चांद सितारे, महिमा तेरी करता जहां और करते हैं चांद सितारे, चांद सितारे, चांद सितारे।
तुम हो तार हारे जग के पालनहारे यीशु तुम हो तार हारे जग के हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारी आज के मिडवीक सभा में। इस समय है प्रार्थना का। हम अपने स्थानों पर खड़े होंगे और जल्दी से अपने घर वाले को अपने पड़ोसी को बुला सकते हैं। इस समय प्रार्थना का अपने हाथों को उठाएंगे, हम अन भाषा में प्रार्थना करेंगे, अपनी आत्मा को तैयार करेंगे आज के मैसेज के लिए। रिबो रे ले गे बोंद्रे माखा रिबो रे ले गे बोंद्रे रिखे रे ले गे बोंद्रे माखेंद बोंदे रिखे रे ले गे और रबा लीगे जगा रे ले गे बोंद्रे माखेंद बोंदे केंदे इंद्र बोंदे रिखे रे ले गे बोंद्रे माखेंद बोंदे रिखे रे ले गे बोंद्रे माखेंदे इंद्र बोंदे रिखे रे ले गे और रबा लीगे जगा रे ले गे बोंद्रे माखेंद बोंदे इंद्र बोंदे रिखे रे ले गे बो रवाली के जगह रे ले गे बोंद्रे माखेंदे इते अखा रे ले गे सिखे रे ले गे और रवाली के जगह रे ले गे बोंद्रे माखेंद बोंदे रिखेंदे और रवाली के जगह रे ले गे बोंद्रे माखेंद बोंदे रिखेंदे और रबो रिले गे जगह रे बो रे ले गे बोंद्रे माखेंदे। ओ धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद अरे आज के मैसेज के लिए धन्यवाद। इस प्रार्थना यीशु के महान और सामर्थ्य नाम मांगते हैं, आमीन हालेलुया। हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कीजिए दिसंबर के लिए, धन्यवादता के महीना के लिए। हम वचन देखेंगे पहला इतिहास अध्याय 16 वचन 8 से 10। यहोवा का धन्यवाद करो, उसे प्रार्थना करो, देश देश में उसके कामों का प्रचार करो, उसका गीत गाओ, उसका भजन करो, उसके सब आश्चर्य कर्मों का ध्यान करो, उसके पवित्र नाम पर घमंड करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। यह हमारा महीना है धन्यवादता का और इस पूरे महीने और आगे भी हम आनंद मनाएंगे और मगन होंगे और परमेश्वर को महिमा देंगे। जो कुछ भी परमेश्वर ने हमारे लिए किया, प्रार्थना कीजिए और धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का बड़े हुए अनुग्रह के लिए और सारे आशीष के लिए। री बो रे ले गे बोंद्रे माखेंदे बोंदे रिखे रे ले गे बोंद्रे माखेंद बोंदे रिखे रे ले गे बो रबा लिगे। धन्यवाद देंगे हम परमेश्वर को जो हमारा महीना है धन्यवादता का। री बो रे ले गे बोंदे रिखेंद बोंदे रिखे रे ले गे और रबा सिखे रे ले गे बोंद्रे माखेंद बोंदे रिखे रे ले गे और रबा लिगे जगा रे ले गे बोंद्रे माखेंदे इंद्र बोंदे रिखे रे ले गे बो रबा लिगे जगा रे ले गे बोंद्रे माखेंदे इंद्र बोंदे रिखे रे ले गे और रबा लिगे जगा रे ले गे बोंद्रे माखेंद बोंदे रिखे रे ले गे और रबा लिगे जगा रे बो रे ले गे बोंद्रे माखेंदे इ एक गा रे ले गे रिबो रे ले गे बोंद्रे माखा रिबो रे ले गे और रबा लिगे जगा रे ले गे बोंद्रे माखेंदे ओ सिखे रे ले गे और रबा लिगे जगा रे ले गे बोंद्रे माखेंद बोंदे रिखे रे ले गे। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं अपनी आत्मिक गीतों के साथ भजन करते हुए। रिबो रे ले गे बोंद्रे रिखे रे ले गे बोंद्रे माखेंद बोंदे रिखे रे लगा और रबा लिगे जगा रे ले गे बोंद्रे माखेंदे। इस महीने धन्यवाद तक हम आनंदित होंगे। रिबो रे ले गे हर एक चीजों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। रिबो रे ले गे बोंद्रे खेंदे रिबो रे ले गे और रबा सिखे रे ले गे बोंद्रे माखेंद बोंदे रिबो रे ले गे ई आगा सिखे रा लखा रिबो रिबो रे ले गे बोंद्रे माखेंद बोंदे इंद्र बोंदे रिखे रे ले गे और रबा लिगे जगा रे ले गे बोंद्रे माखा रिबो रे ले गे ई आगा रे ले गे रिबो रे ले गे बोंद्रे माखेंद बोंदे इंद्र बोंदे रिखे रे ले गे और रबा लिखे जगह रे ले गे बोंद्रे माख
खेत बोंदे इंद्र बोंदे रिखे रे लेगे और रवाली के जगह रे लेगे बोंदरे माँ खेन दे। धन्यवाद देंगे हम परमेश्वर का कि हमारे पूरे देश में सुसमाचार फैल चुका यीशु मसीह के नाम में। और रवाली के जगह रे लेगे बोंदरे माँ खेन दे इंद्र बोंदे रिखे रे लेगे। धन्यवाद परमेश्वर हर एक तक सुसमाचार पहुँचने के लिए। रिबो रे लेगे बोंदरे माँ खेन दे इंद्र बोंदे रिखे रे लेगे बोंदरे माँ खेन दे। इस आखा रे लेगे रिबो र लगा बोंदरे माँ खेन दे। ई आगा रे लेगे रिबो र लगा बोंदरे माँ खेन दे इंद्र बोंदे रिखे रे लेगे। और रवाली के जगह रे लेगे बोंदरे माँ खेन दे बोंदे रिखेन दे। ओ धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर हमारा जो महीना है। धन्यवाद हाँ परमेश्वर, धन्यवाद देते परमेश्वर और सारे लोगों को, देश देश के हर एक लोगों के लिए परमेश्वर। हर एक का उद्धार हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर धन्यवाद देते हैं हर एक लोगों के लिए परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर और सारे लोगों के लिए परमेश्वर। हाँ परमेश्वर आपके आत्मिक गीत भजन स्तुति के साथ परमेश्वर धन्यवाद। हम हर एक चीज़ों के लिए धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद। इस प्रार्थना यीशु के महान और सामर्थ नाम मांगते हैं, आमीन हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारा दूसरा प्रेरण पॉइंट है, हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे सीखा आउटरीच के लिए। प्रार्थना कीजिए कि जैसे हमने योजना बनाए हैं वे पूरे हो रहे हैं यीशु के नाम में। सेवकाई के प्रभावी दरवाजे हमारे लिए खुले हुए हैं और हम इस आउटरीच के द्वारा 1,000,000 लोगों तक हम पहुँच रहे हैं और इन्हें सच्चे परमेश्वर के बारे में बता रहे हैं यीशु के नाम में। घोषणा कीजिए जहाँ कहीं पर हमारे सेंटर बन रहा है वहाँ पर चर्च स्थापित हो रहा है यीशु के नाम में। हम वचन देखेंगे मत्ती अध्याय 16 वचन 18, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलेसिया बनाऊंगा और अधलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होगा। निहात उठाएंगे री बो रे ले गे बोंदरे माँ खेन दे बोंदे री खे रे ले गे बोंदरे माँ खेन दे बोंदे री खे रे ले गे बोंदरे माँ खेन दे री ले गे सी खे रे बो रे ले गे बोंदरे माँ खेन दे इंद्र बोंदे री खे रे ले गे बो रबा ली गे जगा रे ले गे बोंदरे माँ खेन दे ई आ गा रे ले गे बोंदरे माँ खेन दे और रबा ली गे जगा रे ले गे बोंदरे माँ खेन दे। जहाँ कहीं हमारा सिकाव हो रहा है रिबो रे ले घे बोंदरे माँ खेन दे इंद्र बोंदे रिखे रे लगा बोंदरे माँ खेन दे बोंदे और रबा ली गे जगा रे ले घे बोंदरे माँ खेन दे इंद्र बोंदे रिखे रे लगा बोंदरे माँ खा रिबो रे ले घे ई आ गा रे ले घे रिबो रे ले घे बोंदरे माँ खेन दे इंद्र बोंदे रिखे रे ले घे। जैसे हमने अपना मन बनाया इस आउटरीच के लिए रिबो रे लगा बोंदरे माँ खेन दे इंद्र बोंदे रिखे रे लगा बोंदरे माँ खेन दे। हमारे लिए हर एक अवसर के दरवाजे खुले हुए ही यीशु मसीह के नाम में। और रबा लिखे जगा रे ले गे बोंदरे माँ खेन दे इंद्र बोंदे रिखे रे ले गे। इस आउटरीच के द्वारा हम 1,000,000 लोगों तक पहुँच रहे यीशु मसीह के नाम में। और रबा लिखे जगा रे ले गे बोंदरे माँ खेन दे इंद्र बोंदे रिखे रे ले गे। जहाँ कहीं हमारा आउटरीच हो रहा है वहाँ एक चर्च बन रहा है यीशु मसीह के नाम में। और रबा ली गे जगा रे ले गे बोंदरे और रिबो र लगा बोंदरे माँ खेन दे बोंदे रिखे रे लगा। इस आउटरीच के द्वारा वो धन्यवाद देंगे परमेश्वर का कि हर गली में हर जगह हमारा आउटरीच हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। और रबा ली गे जगा रे ले गे बोंदरे माँ खेन दे इंद्र बोंदे रिखे रे ले गे और रबा सीखे रे ले गे बोंदरे माँ खेन दे बोंदे इंद्र बोंदे दिखे रे ले गे और रबा लिखे जगा रे ले गे बोंदरे माँ खेन दे बोंदे ई आगा सीखे रे ले गे बोंदरे माँ खेन दे। ओ धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर इस आउटरीच के द्वारा। परमेश्वर इस सीखा आउटरीच जो है परमेश्वर, परमेश्वर मैं धन्यवाद देती हूँ हर गली हर एरिया हर जगह परमेश्वर हमारा आउटरीच हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद दे परमेश्वर इस सीखाओ के द्वारा हम 1,000,000 लोगों तक पहुंच रहे हैं यीशु मसीह के हमें। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि जहाँ कहीं हो रहा है वहाँ पर एक चर्च स्थापित हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर इस धन्यवाद ताकि महीने के लिए धन्यवाद। इस प्रार्थना यीशु के महान और सामर्थ नाम मांगते हैं, आमीन हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारा तीसरा प्रेयर पॉइंट है, हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे मिशन 1 अरब आत्माओं के लिए 31 दिसंबर 2021 हालेलुया। हम प्रार्थना कर रहे हैं बड़े हुए अनुग्रह के लिए। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे लिए सेवकाई के प्रभावी दरवाजे खुले हुए हैं।
हमारे पास हमेशा बढ़ती हुई सेवकाई है, हमारे सारे स्ट्रक्चर प्रभावी है और हम हर दिन लाखों लोगों तक पहुंच रहे हैं यीशु के नाम में। प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ भविष्यवाणी के अनुसार कार्य कर रही है यीशु के नाम में। रिबोर ले लेंगे बोंदे माँ खा रिबोर ले लेंगे बोंद्रे माँ खेंद बोंदे री खेंदे इंद्र बोंदे री खे रे ले गे बोर रबा ली के जगह रे ले गे बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदे री खे रे ले गे बोंद्रे माँ खा रिबो सीखे ई आगा रे ले गे रिबोर रे ले गे बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदे री खे रे ले गे बोंद्रे माँ खेंद बोंदे री खे रे ले गे और रबा ली के जगह रे ले गे बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदे री खे रे ले गे बोर रबा सीखे रे ले गे और रबा ली के जगह रे ले गे बोंद्रे माँ खेंदे। प्रार्थना कर हमारे मिशन एक अरब आत्माओं के लिए। धन्यवाद परमेश्वर का जो परमेश्वर के जन के द्वारा जो भविष्यवाणी हुई है ये पूरी हो रही है यीशु मसीह के नाम में। और रबा सीखे रे ले गे बोंद्रे माँ खेंदे हम एक अरब आत्माओं तक पहुँच रहे यीशु मसीह के नाम में। और रबे लीगे जगह रे ले गे बोंद्रे माँ खा रिबो सीखे ई आगा रे ले गे रिबो रे ले गे बोंद्रे माँ खेंदे इंद बोंदे री खे रे ले गे और रबा लीगे जगह रे ले गे बोंद्रे माँ खेंदे। जैसे हम जा रहे हैं परमेश्वर हमारे लिए हर एक अवसर के दरवाजे खुले हुए यीशु मसीह के नाम में। और रिबो रे ले गे बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदे री खे रे ले गे और रबा सी खे रे ले गे बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदे री खे रे ले गे रिबो रला गा बोंद्रे माँ खेंदे वो रबा सी खे रे ले गे और रबा लीगे जगह रे ले गे बोंद्रे माँ खेंदे। जैसे हम प्रार्थना कर रहे हैं वो हर एक आत्मा भूखे हैं परमेश्वर के वचन के लिए यीशु मसीह के नाम में। और रिबो रला गा बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदे री खे रे ले गे और रबा लीगे सा खा रे ले गे बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदे री खे रे बो रे ले गे बोंद्रे माँ खेंद बोंदे इंद्र बोंदे री खे रे ले गे और रबा सी खे रे बो रे ले गे बोंद्रे माँ खेंद बोंदे री खेंदे। ओ धन्यवाद देते परमेश्वर। हाँ परमेश्वर धन्यवाद इस भविष्यवाणी के अनुसार हर एक काम पूरी हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर हम एक अरब आत्माओं तक पहुँच रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हमारे सारे स्ट्रक्चर प्रभावित है यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर हमारे उस सारे अवसर के दरवाजे हमारे लिए खुले हुए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर उस सारी आत्माओं के जिसे हमारा महीना धन्यवाद तक। हाँ परमेश्वर मैं धन्यवाद देती हूँ और सारी आत्मा तैयार है यीशु मसीह के नाम में हमारे साथ जुड़ने के लिए इस आउटरीच के द्वारा। धन्यवाद देते परमेश्वर। धन्यवाद 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 धन्यवाद। इस प्रार्थना यीशु के महान और सामर्थ्य नाम मांगते हैं आमीन हालेलुया। इस समय है आराधना का। हम स्वागत करेंगे अपने क्वायर का ताली बजा के। Tu hai vos sa chauve, l'état.
हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष मिडवीक सभा में और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन बुधवार दिनांक 15 दिसंबर 2021 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है विश्वास का अर्थ अपने विश्वास को करना है। हालेलुया। और हमारा आरंभिक वचन लिया गया है दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 13 से, जो कहता है इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। हालेलुया। बहुत से लोग कहते हैं कि वे विश्वास करते हैं और कुछ भी नहीं करते, लेकिन जब आप सच में विश्वास करते हैं तब आप कार्य करते हैं। विश्वास यही करता है, यह प्रक्रिया या कार्य है जो आप अपने विश्वास के आधार पर करते हैं। जब आप कहते हैं कि आप विश्वास करते हैं तब यह निष्क्रिय नहीं है बल्कि सक्रिय है। विश्वास करना कार्य का एक शब्द है, यह असल में अपने विश्वास को करना है। यही कारण है कि बाइबल कहती है वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। हालेलुया। आप पढ़ सकते हैं याकूब अध्याय 2 वचन 17 में। विश्वास को इसके अनुकूल कार्य की आवश्यकता है। अपने कामों के द्वारा आप अपने विश्वास को साबित करते हैं। विश्वास करना ग्रीक में पिस्टियो है जिसका अर्थ है अपने विश्वास को दिखाना, अपने विश्वास पर काम करना। यीशु मसीह के बारे में आप जो कुछ विश्वास करते हैं वह आपके कार्यों में प्रकट होता है। हालेलुया। वचन जैसा कि पवित्र शास्त्र में हमें दिया गया है इस पर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन आपके जीवन में इसे प्रभावी होने के लिए आपको वह करना पड़ेगा जो यह कहता है। हालेलुया। यूहन्ना अध्याय 14 वचन 15 में यीशु ने कहा यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। परमेश्वर का वचन करने के लिए है। याकूब अध्याय 1 वचन 22 से लेकर 25 इसे इस तरह से बताता है परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। हालेलुया। वचन को करने में ही सामर्थ्य है, इसी से आपको लाभ पहुँचता है। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेह बरसा और बाढ़ें आईं और आंधियां चली और उस घर से टकराईं फिर भी वह नहीं गिरा। हालेलुया। क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेह बरसा और बाढ़ें आईं और आंधियां चली और उस घर से टकराईं और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
आप पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 7 वचन 24 से लेकर 27 में। ये समय है प्रार्थना का। आप अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, पवित्र पिता, मैं अपने जीवन में आपकी उपस्थिति और महिमा के लिए आपका धन्यवाद देता हूँ। पवित्र आत्मा के लिए आपका धन्यवाद जो कि मेरे अंदर रहता है और मुझे आपका वचन सिखाता है, जिसके द्वारा मेरा विश्वास सक्रिय है और हमेशा परिणामों को उत्पन्न करता है। मैं वचन का एक करने वाला हूँ। आपकी महिमा के लिए आज आपका वचन मुझ में और मेरे द्वारा प्रकट होता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन पढ़ सकते हैं याकूब अध्याय 2 वचन 18 से लेकर 19 और मरकुस अध्याय 9 वचन 23। हालेलुया। आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 और आमोस अध्याय 5 से लेकर 9। आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं यूहन्ना अध्याय 20 वचन 19 से लेकर 31 और दूसरा इतिहास अध्याय 29। हालेलुया। ये समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। प्रेज द लॉर्ड। इन बहन का नाम आशा भारद्वाज है। ये जौनपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली है और इनकी गवाही है कि इनके घुटनों में काफी 6-7 साल से दर्द था। तो इन्होंने पिछले संडे 21 तारीख का ऑनलाइन प्रेयर अटेंड किया। जब पास्टर प्रार्थना कर रहे थे तो इन्होंने उस प्रार्थना को ग्रहण किया और उसी समय पूरी रीति से 6-7 साल का दर्द पूरी रीति से ठीक हो गया, दर्द चला गया है। पूरी रीति से चंगी है, अच्छी है, सुरक्षित है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करती है और परमेश्वर के जन पास्टर आइजक सर का धन्यवाद करती है। थैंक यू सर। पूरा महान है, तू महान है, ओ परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरा प्यार हमारे लिए महान है। जो अनुग्रह तूने दिया है वो काफी है। हाँ, तू जो विचार, तू जो सपने मेरे लिए देखता है वो महानता के देखता है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तेरा नाम सारे नामों से ऊंचा है, तेरा वचन मेरे जीवन में महान है। तूने जो किया मेरे लिए वो महान है, तू ज्यादा मेरे लिए वो महान है। तेरा नाम, तेरा नाम से सारे नामों से ऊंचा है, तेरा वचन मेरे जीवन महान है। तूने जो किया कोई और नहीं कर सकता, हाँ वो महान है। तुझे चाहता मेरे लिए वो महान है। ओ तू महान परमेश्वर है, हाँ तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है,
प्यार मेरे लिए महान है, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है, तेरे सपने मेरे लिए महान है, तेरे विचार मेरे बारे में महान है, तेरा प्यार, तेरा प्यार मेरे लिए महान, तेरा प्यार मेरे लिए महान, तेरा अनुग्रह जितने अनुग्रह दिए हाँ वो काफी है, तुझे सपने मेरे लिए दे वो महान है, हाँ तेरे विचार, तुझे विचार मेरे बारे में वो महान है, और तू महान परमेश्वर है, गाइए अपने हाथों को उठा कि तू महान है, बताइए उसको कि वो महान है, वो महान तेरे लिए कहा महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है, तू महान है, यीशु तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है, तू महान है, जो उसने हमारे लिए किया शायद ही कोई कर सकता है, वो महान काम उसने हमारे लिए किया, वो महान परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो महान महान है, तेरे बारे में महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक चीज सुनिश्चित है, अगर आप वचन से चिपके रहेंगे तो आप एक गवाही के साथ वापस आएंगे। परमेश्वर जो आपके जीवन में देना चाहता है वो एक चंगाई नहीं है, परमेश्वर जो आपके जीवन में देना चाहता है वो एक नौकरी नहीं है, परमेश्वर जो आपके जीवन में देना चाहता है वो पैसा नहीं है, जो परमेश्वर आपको देना चाहता है वो है आपकी आत्मा में परमेश्वर का वचन। ये आपको वो बना देगा जिसके विषय में ये बात करता है, और आप चमक रहे हैं, और आप चमक रहे हैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा, आप चमक रहे हैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा, आप चमक रहे हैं, और कुछ भी आपको नहीं रोक सकता है। ये आपका मौसम है, ये आपका समय है, कुछ भी आपको नहीं रोक सकता है, ये आपका समय है, ये आपका समय है, लाभ आपका है। किंतु आत्मा के द्वारा, आत्मा के द्वारा, आपको पता है मैं आपसे कुछ कह रहा था कि यीशु मसीह हमारे बदले में तिरस्कारित किया गया। चलिए मुझे आपको वहां पर कुछ थोड़ा सा समझाने दीजिए। यह एक समान विवरण है जब हम कहते हैं कि यीशु मसीह पूरे विश्व के लिए मरा, वह मरा हम सब के लिए, पूरे विश्व के लिए। किंतु आपको समझने की जरूरत है, जब हम कहते हैं कि हम सब, जिसका अर्थ है कि पूरा विश्व, और जब हम कहते हैं हम सब, जिसका अर्थ है मसीह, हम मसीह, सामान्य तरीके से वो हम सब के लिए मरा, पूरे विश्व के लिए मरा। यीशु का हमारे लिए न्याय किया गया। इसलिए जब आप विश्वास करते हैं, दो बातें, नंबर एक, आपने मान लिया है जो उसने आपके लिए किया, यह संभव बनाता है कि अनंत जीवन आपकी आत्मा में डाला जाए, और एक बार जब वो आपकी आत्मा में डाल दिया जाता है तब आप नए जन्मे बन जाते हैं, आप एक नए आदमी हैं जिसका कोई भूतकाल नहीं है। और अब आत्मिक व्यक्ति समझता है कि अगर आपका कोई भूतकाल नहीं है तो इसका यह अर्थ है कि यीशु आपके लिए नहीं मरा, आपके पापों के लिए, क्योंकि कोई पाप था ही नहीं नई सृष्टि के लिए। और अगर नई सृष्टि के लिए कोई पाप थे ही नहीं तो अब आप समझ सकते हैं कि क्यों आप निर्दोष हैं। आप निर्दोष हैं। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, किंतु वो जिंदा किया गया हमारी निर्दोषता के लिए, क्योंकि जब वो जिंदा किया गया वो नया जन्मा था।
और हम में से हर व्यक्ति जो नया जन्मा है वे भी एक नए जीवन के साथ आएंगे। नया जन्मा, नया जीवन, यही कारण है कि वो हमें देखता है और कहता है कि कोई पाप नहीं है, वो एक नया व्यक्ति है, इसका कोई भूतकाल है ही नहीं। इसको फिर से सुनिए, दूसरा कुरिन्थियों 5:17। अगर कोई व्यक्ति मसीह में है, वह है ना कि था ना कि होने जा रहा है, अगर वो ढंग से प्रार्थना करेगा, वह है एक नई सृष्टि। पुरानी बातें बीत गई हैं, वे होने नहीं जा रही हैं, वो बीत चुकी हैं, वो दूर नहीं जा रही हैं, वो दूर नहीं जा रही हैं, वो दूर हो चुकी हैं, और सारी वस्तुएं नई हो गई हैं, और ये सारी वस्तुएं परमेश्वर की हैं। यह है 18वां वचन। आपको क्या करने की जरूरत है? मसीहत बहुत सरल है। आपको केवल क्या करना है कि मान लो जो वो कहता है, जीने के लिए एक सच्चाई के रूप में केवल यही करना है। संघर्ष उसी समय समाप्त हो जाता है जब आप मान लेते हैं। एक बार जब आप मान लेते हैं, आप खोजते हैं कि आपकी आंखों के सामने से छिलके हट जाते हैं, आप अनंत जीवन के अधिकारी हैं, अचानक से आप आत्मिक स्तर की वास्तविकताओं के लिए जाग जाते हैं और आप खोज लेते हैं कि अब यही आपका जीवन है, आप जी रहे हैं परमेश्वर की सत्यनिष्ठा मसीह यीशु में। अब कोई संघर्ष नहीं, कोई संघर्ष नहीं। वे सब जो इसको नहीं समझते हैं वो संघर्ष कर रहे हैं, हर दिन कोशिश कर रहे हैं सिद्ध होने की, हर दिन कोशिश कर रहे हैं, आपको पता है, वो कोशिश कर रहे हैं जिए परमेश्वर को खुश रख सके। वे कोशिश कर रहे हैं किंतु ये बहुत कठिन है। वे कोशिश करते हैं फिर हार जाते हैं। वे बच्चे कहलाते हैं, वे सांसारिक लोग हैं, आत्मिक होने की कोशिश करते हुए। मैं कभी नहीं भूलूंगा, आपको पता है जब मैं बहुत नया था परमेश्वर की वस्तुओं में, मैं चला रहा था और मैंने अभी अभी वचनों में इन सच्चाइयों को खोजा था, और मैं था और मैंने शुरुआत की, मैंने एक सेमिनार को ऑर्गेनाइज किया और वहां पर कुछ दूसरे मसीह भी थे जिन्हें पसंद नहीं आया जो मैं कर रहा था। उन्होंने कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो, तुम कितने दिनों से हो ही इन चीजों में, तुम हमें सिखाने की कोशिश कर रहे हो। कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ा और मैंने सेमिनार को ऑर्गेनाइज किया और उनका जो मुख्य बाइबल अध्ययन लीडर था प्रोग्राम में आया जासूसी करने के लिए कि मैं क्या कह रहा था, और वो वहां पर बैठा था किंतु मैंने उसको देख लिया था और मैं वचन सिखा रहा था और मैं वचनों को खोल कर दिखा रहा था। और यही कारण है कि आपके लिए बाइबल जानना बहुत अच्छा है, क्योंकि तब आप नहीं होते हैं जो बात कर रहे होते हैं। बाइबल को अपने लिए खुद ही बोलने दीजिए। तो जैसे ही मैंने वचनों को समझाया और मैंने बुलाहट दी उन लोगों के लिए जो वास्तव में अपने आप को सही जीने के लिए देना चाहते थे, और ये जो बाइबल स्टडी लीडर था वो आगे आ गया, मैं विश्वास नहीं कर पाया कि वो वहां पर खड़ा था। तो मैं उसकी ओर झुका और मैंने उससे पूछा, क्या हुआ? सच्चाई ये थी, उससे एक या दो हफ्ते पहले ही कि वहाँ पर एक बाइबल स्टडी मीटिंग हुई थी जहाँ पर वो बाइबल स्टडी में सिखा रहा था शरीर के कार्यों के विषय में, और उसने बहुत जोर दिया था शरीर के कामों पर। तो जब मैंने उसकी ओर झुककर उससे पूछा कि क्या हुआ, उसने कहा, शरीर शरीर। उसको शरीर से परेशानी हो रही थी। तो आप देख सकते कि बहुत से लोग संघर्ष कर रहे हैं उनके शरीर के साथ, क्योंकि उन्होंने नहीं माना है परमेश्वर की सच्चाई को। तो वो संघर्ष कर रहे हैं अपने शरीर के साथ, हर समय वो इस प्रलोभन में फंस रहे हैं या उस प्रलोभन में फंस रहे हैं, वो बहुत संघर्ष कर रहे हैं। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ कर रहा हूं। वह नहीं चाहता है कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करें, वह चाहता है कि आप केवल विश्वास करें। ओके, यह मुझे कहीं और ले जा रहा है विश्वास, क्योंकि कुछ बार कि वहां पर कुछ भ्रम है कि ये वास्तव में क्या है, किंतु ये बहुत सरल है। आपको पता, अभी हमने पढ़ा यूहन्ना के 6:47 में, उसने कहा कि जो विश्वास करता है उसके पास है अनंत जीवन, ठीक है? ओके, तो वो क्या कह रहा है, विश्वास करने का अर्थ क्या है?
हमने रोमियो के पहले अध्याय के 17वें वचन में पढ़ा और इसी में परमेश्वर की सत्यनिष्ठा दिखाई देती है विश्वास से विश्वास में, जैसा कि लिखा है कि सत्यनिष्ठ विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। ये विश्वास क्या है, भरोसा क्या है? बहुत सरल, विश्वास और भरोसा करना दोनों जुड़े हुए हैं। एक संज्ञा है और दूसरा क्रिया है संज्ञा की। विश्वास ग्रीक में है पिस्टिस, यह एक संज्ञा है। भरोसा करना है पिस्टियो, इसका अर्थ है अपने विश्वास को दिखाना, अपने विश्वास पर कार्य करना, वह विश्वास की क्रिया है। भरोसा करने का अर्थ है अपने विश्वास को करना, इसका यही अर्थ है। तो जब आप कहते हैं कि आपको यीशु में विश्वास है, इसका अर्थ है कि आपने मान लिया है यीशु मसीह के संदेश को। किंतु जब आप कहते हैं कि आपने भरोसा किया है, आपको क्या करने की जरूरत है कि आपको अपने विश्वास को दिखाने की जरूरत है, क्योंकि विश्वास संज्ञा है और भरोसा करना एक क्रिया है। यह एक क्रिया का वचन है, इसका यही अर्थ है। भरोसे का अर्थ है अपने विश्वास को करना, यही है अपने विश्वास को करना, अपने विश्वास को करना। तो जब हम कहते हैं कि हम भरोसा करने वाले हैं यीशु मसीह में, इसका मतलब है कि हम करता हैं वचन के। क्या आप देख सकते हैं, इसका मतलब है कि हम करता हैं। इसलिए बाइबिल कहती है कि विश्वास बिना कामों के मृत है, यह अकेला है। वो कहता है कि विश्वास बिना कार्यों के मृत है। तो आप अपने विश्वास को सिद्ध करते हैं अपने कामों के द्वारा, यह भरोसा करना है। आप देख सकते हैं याकूब इसको समझा रहा था, इस अंतर को, एक विश्वास जो बिना कामों का और एक विश्वास जो कामों के साथ। तो वो कहता है अपने विश्वास को दिखाओ अपने कामों के द्वारा। वो आपके लिए वहां पर क्या समझा रहा था, वो एक सरल शब्द है, भरोसा करना। तो अगर मैं कहता हूं कि मैं यीशु मसीह में भरोसा करता हूं, इसका अर्थ है कि मैं करता हूं अपने विश्वास को यीशु मसीह के विषय में। जिन बातों में मैं भरोसा करता हूं वह कार्य हैं, वह कार्य हैं। मैं इसको बोल रहा हूं और मैं इसको कर रहा हूं, मैं इस पर काम कर रहा हूं। हालेलुया। तो ठीक है, नंबर 3 क्या है? अधिकार। अधिकार, आत्माएं जीतने वाला अधिकार में है। हां, मैं अधिकार में हूं, मैं अधिकार में हूं। इसका अर्थ है कि सत्यनिष्ठा मेरी है। देखिए, मैं इसके लिए संघर्ष नहीं कर रहा हूं, मैं इसके लिए प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, मैं इसके अधिकार में हूं। देख सकते हैं, मैं एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति हूं मसीह यीशु में, क्योंकि उसने मुझे सत्यनिष्ठ बना दिया है। क्या आप समझ रहे हैं, उसने मुझे सत्यनिष्ठ बना दिया है। तो मैं बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं हूं। मैं अनंत जीवन पाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मेरे पास ये है। मैं सत्यनिष्ठा के अधिकार में हूँ, मैं अपनी निर्दोषता के अधिकार में हूँ। यही अर्थ है यूहन्ना की पहली पत्री के पहले अध्याय के 7वें वचन का। चलिए मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, यूहन्ना की पहली पत्री पहला अध्याय और 7वां वचन। ये कहता है कि अगर तुम ज्योति में चलते हो जैसा कि वो ज्योति में है, हमारी एक दूसरे के साथ सहभागिता है। तो अगर हम ज्योति में नहीं चल रहे हैं तो कोई सहभागिता भी नहीं है, क्योंकि एक अंधकार में है। अगर हम ज्योति में चलते हैं, मेरी निर्दोषता की ज्योति में, मैं अपनी सत्यनिष्ठा की ज्योति में चलता हूं जैसे वह मेरी सत्यनिष्ठा की ज्योति में है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि मैं उन बातों की सहमति में चल रहा हूं जो वो सोचता है सत्यनिष्ठा के विषय में। परमेश्वर की ज्योति क्या है? सत्यनिष्ठा के विषय में। परमेश्वर की सत्यनिष्ठा की ज्योति में यह एक उपहार है और यह हर उस व्यक्ति को दी जाती है जो यीशु मसीह में विश्वास करता है। तो मैं कहता हूं, पिता मैं आपकी ज्योति में रहता हूं, मैं आपकी ज्योति में चलता हूं। आपकी ज्योति में सत्यनिष्ठा परमेश्वर की ओर से एक उपहार है और यह हर उस व्यक्ति को दी गई है जो यीशु मसीह में विश्वास करता है। इसलिए मेरे पास वो उपहार है यीशु के नाम में। आमेन। परमेश्वर की स्तुति हो, मैं सत्यनिष्ठ हूं, यह उसकी ज्योति में चलना है। किंतु वो व्यक्ति जो सांसारिक है, सांसारिक व्यक्ति, वो इंद्रियों में चल रहा है। वो कहता है मुझे नहीं लगता है कि आज प्रभु मेरे पास है, ओ गॉड कृपया कृपया। वो प्रार्थना करता है, वो कहता है कि मेरी प्रार्थना बहुत ऊंची नहीं गई आज, ओ पिता मैं संघर्ष कर रहा हूं, पिता मैं संघर्ष कर रहा हूं, मैं संघर्ष कर रहा हूं। जबकि बाइबल घोषणा करती है कि जिन्होंने परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश किया है उन्होंने अपने संघर्षों से भी विश्राम किया है। किंतु वो कह रहा है मैं अपने आप को जानता हूं, मैं अपने आप को जानता हूं, मैं केवल संघर्ष कर रहा हूं। आपको पता है वो क्या कर रहा है? वो अपने जीवन को अपनी इंद्रियों के द्वारा पढ़ रहा है।
परमेश्वर के वचन का आपकी इंद्रियों से कोई लेना देना नहीं है। वह कहता है आप एक नई सृष्टि हैं, अब आप मसीह में हैं, आप आत्मा के द्वारा चलते हैं, ना कि अपनी इंद्रियों के द्वारा, ना कि अपनी भावनाओं के द्वारा, आप आत्मा में चलते हैं अभी। वो कहता है अगर तुम चलोगे, अगर तुम जियोगे शरीर के द्वारा तो तुम मर जाओगे, उसने आपको बताया है। और वो वहां पर भौतिक मृत्यु की बात नहीं कर रहा है, वो आत्मिक मृत्यु की बात कर रहा है। इसका अर्थ है कि आप दूर कर दिए जाएंगे परमेश्वर से, आप अपने आप को संघर्ष करता हुआ पाएंगे। किंतु अगर आप परमेश्वर के आत्मा में चलेंगे, हालेलुया, क्या होगा? आत्मा के स्तर में आप जीते हैं, आप जीते हैं, और आप एक राजा की तरह राज्य और शासन करते हैं। हालेलुया। ओ हे परमेश्वर के शहर, तेरे विषय में महिमा की बातें बोली गई हैं। हालेलुया। तो नंबर एक क्या है? स्पष्टता, 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 सटीकपन, सुसमाचार के विषय में स्पष्टता। नंबर दो क्या है? दृढ़ विश्वास। आप जानते हैं, आप जानते हैं, आप जानते हैं, आप जानते हैं कि यह सच है और आप इसके विषय में पूरी तरह से मान चुके हैं। नंबर तीन, पूरा अधिकार। नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुएं। सोचिए कि आम आम मैं महसूस कर रहा हूं, हे हे मेरा सर, ए ए ए, 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 ए मेरा सर, ए, इसको छुओ, इसको छुओ, इसको छुओ, मेरा सर, हाँ, ए हे 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 मेरा सर, ओ ओ यीशु, ए ए ए ओ यीशु। जब आप ये कर रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं? शैतान आपको दिखा रहा है कब्र, कब्रगाह, लोग रोते हुए, हे हो जीसस, ये मेरे सर में है, ये मेरे सर में है, ओ! जब आप ये सब कर रहे हैं तो आपको पता है क्या हो रहा है? आप शैतानों को पूरा मौका दे रहे हैं। मसीह इस तरीके से बर्ताव नहीं करते हैं। यह बच्चों के लिए और सांसारिक लोगों के लिए है। बाइबल कहती है हमारा मल्ल युद्ध शरीर और लहू के साथ नहीं है। वह नहीं कहता है कि हम बिल्कुल लड़ाई लड़ते ही नहीं हैं, किंतु हम मांस और लहू के साथ नहीं लड़ते हैं, किंतु किन चीजों के विरोध में? अधिकारों, सामर्थों के, और इस विश्व के अंधकार के शासकों के विरोध में, और विरोध में ऊंचे स्थानों में आत्मिक दुष्टता के। जब आप सुनते हैं आ बाहर निकल जाओ, हालेलुया, महिमा, एक सेकंड के लिए रुक जाइए। आपको पता है क्या? हम में से बहुतों ने दूसरों को सकते में डाल दिया। उन्हें नहीं पता है कि हमने क्यों चिल्लाना शुरू कर दिया। उन्होंने केवल देखा लोगों को चिल्लाते हुए कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं? चलिए दूसरे लोगों को साथ में ले लेते हैं। मैं क्या कह रहा हूं कि जब आप उस दर्द को महसूस करते हैं, ये मत सोचिए ओ परमेश्वर मैं क्या करूं, नहीं, आप कहते हैं रुक जाओ शैतान, यीशु के नाम में आपके पास एक समझ है मसीह में। जब कुछ मसीह उन प्रहारों के विषय में बात कर रहे हैं, वो आपके लिए बिल्कुल अनजाने हैं। आपको नहीं समझ में आता है कि क्यों उनके सामने शैतान आते रहते हैं, उनको दबाते रहते हैं, खींचते रहते हैं, उन्हें लात मारते रहते हैं। किस प्रकार का जीवन वो लोग जी रहे हैं? मुझे आपको दिखाने दीजिए, मुझे आपको दिखाने दीजिए आप कितने सुरक्षित हो सकते हैं। चलिए मैं आपको ये दिखाता हूं। कुलुस्सियों की पुस्तक, चलिए पढ़ते हैं तीसरे अध्याय से पहले वचन से। अतः जब तुम भाइयों और बहनों, अगर यह सच है कि जब वो मरा आप उसके साथ मरे,
जब वो गाड़ा गया आप उसके साथ गाड़े गए, जब वो जिंदा हुआ आप उसके साथ जिंदा किए गए थे। अगर ये सच है कि आप उसके साथ जिंदा किए गए थे, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, सबसे पहले अपने हृदय को सही कीजिए। तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां पर मसीह देख सकते हैं कि वो कितना ऊंचा है, जहां पर मसीह बैठा हुआ है परमेश्वर के दाहिनी ओर। अगला वचन, अपना ध्यान लगाओ स्वर्गीय वस्तुओं पर, ना कि पृथ्वी की वस्तुओं पर। देखिए, जिन लोगों का ध्यान पृथ्वी की वस्तुओं पर है, वही है जिन पर अधिकतर प्रहार होते हैं, अधिकतर उन्हीं पर प्रहार होते हैं। वो शायद ही आत्मिक दिमाग के हैं। आप वहां नीचे क्या कर रहे हैं? आप क्यों अपना ध्यान उन वस्तुओं पर लगा रहे हैं जो नीचे हैं, जबकि आपके हृदय को ऊपर की वस्तुओं पर लगा होना चाहिए? आप वहां नीचे क्या कर रहे हैं? मेरे पिताजी ने मुझे एक कहानी बताई थी, एक बिल्ली की जिसने एक चिड़िया पकड़ी थी। सवाल यह है कि एक चिड़िया बिल्ली के मुंह में क्या कर रही थी? तुम्हारे पंख कहां थे? तुम उड़ क्यों नहीं सकी? एक चिड़िया ऊंचा उड़ सकती है, एक बिल्ली नहीं उड़ सकती, फिर भी बिल्ली ने उसको पकड़ लिया। तुम पृथ्वी पर क्या कर रही थी? उन वस्तुओं को खोजो जो स्वर्ग की हैं। अपना ध्यान स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाओ, ना कि पृथ्वी की वस्तुओं पर। क्यों पृथ्वी पर रेंग रहे हो? आप वहां नीचे क्या ढूंढ रहे हो? कहिए भाई और बहन, वो जो आपके बाजू में बैठा है, कहिए भाई बहन, नीचे किसी चीज को मत खोजिए, ऊपर बने रहो, ऊपर बने रहो, ऊपर बने रहो। ओके, चलिए इसको खत्म करते हैं। अपना ध्यान लगाओ, अपना ध्यान लगाओ, अपना ध्यान लगाओ, अपना ध्यान लगाओ। हाँ, आपका हृदय एक व्यवसाय और दूसरे व्यवसाय के पीछे जा रहा है। जब आप चर्च में हैं, आपका विश्वास केवल उस व्यवसाय पर लगा हुआ है, क्योंकि आपको पैसे की जरूरत, मुझे उस पैसे की जरूरत है बीज बोने के लिए। यह बीज बोने के लिए जरूरत नहीं है, आपको पता है, आपको पता है, आप बीज बोने की कोशिश नहीं कर रहे हो। वहां पर बहुत स्वार्थीपन है आपके विषय में, आपके विषय में कुछ सांसारिकता है। आप हमेशा शरीर की वस्तुओं को खोज रहे हैं नीचे, वहां पर। आप वहां नीचे क्या कर रहे हैं? आप वहां नीचे क्या कर रहे हैं? अपना ध्यान स्वर्ग की वस्तुओं पर लगाओ, ना कि पृथ्वी की वस्तुओं पर। देखिए अगला वचन, यह आपको आनंद से भर देगा, क्योंकि तुम मरे हुए हो, तुम मरे हुए हो और तुम्हारा जीवन परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया! क्या आपने इसको देखा कि तुम मर गए हो? आप विश्व के लिए मर गए हैं, वो आपको यही बता रहा है। आप शरीर के लिए मर चुके हैं, किंतु आपका जीवन कहां है? आपका जीवन कहां है? यह छुपा हुआ है मसीह के साथ परमेश्वर में। Shout amen somebody! तो ठीक, अभी अगर आप पहले कभी भी नए जन्मे नहीं हुए हैं और आप उद्धार ग्रहण करना चाहते हैं, ठीक, अभी प्रार्थना में इन शब्दों को मेरे बात कहिए और अपने पूरे हृदय से इसको मान लीजिए और परमेश्वर आपकी सुनेगा। इन शब्दों को कहिए, हे प्रभु परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं वह क्रूस पर मुझे बचाने के लिए मरा। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने उसको मरुभूमि से जिलाया और वह आज जीवित है। मैं अपने मुंह से घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह मेरे जीवन का प्रभु है। आज से और उसके नाम में मेरे विश्वास के द्वारा मैं ग्रहण करता हूं अनंत जीवन मेरे हृदय में।
धन्यवाद प्रभु, अब मेरे पास अनंत जीवन है यीशु मसीह के नाम में। मैं नया जन्मा हूं। मैं परमेश्वर की संतान हूं आज से। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने प्रार्थना की है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपकी सुनी है। अब आप अंधकार में नहीं हैं, पर अब आप प्रकाश में हैं। अब आप अभी परमेश्वर की एक संतान हैं। अब शैतान का आपके ऊपर कोई दावा नहीं है। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूं। पिता यीशु के नाम में मैं हर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूं जिसने उस प्रार्थना को किया है, हर व्यक्ति जिसने अभी एक वाचा की है प्रभु यीशु के साथ। अब प्रभु यीशु का नाम उनके ऊपर सदा के लिए बना रहे। इस क्षण से शैतान का उनके ऊपर कोई दावा नहीं है, वे प्रभु यीशु मसीह के हैं। मैं उन्हें आशीष देता हूं आपके वचन के द्वारा, मैं उन्हें आशीष देता हूं आपके प्रेम के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा, मैं उन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा आशीष देता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप आज आशीषित हैं। अब आप आशीषित हैं। अब आप परमेश्वर की एक संतान हैं। बधाई हो। हमारे पास एक पुस्तक है जो हम आपको देना चाहेंगे और इसका शीर्षक है अब जबकि आप नए जन्मे हैं। आपकी स्क्रीन के नीचे आपको एक कोड नंबर मिलेगा जिसके साथ आप अपने लिए एक प्रति को डाउनलोड कर सकते हैं। इसको आज ही कीजिए और इस पुस्तक को पढ़ना शुरू कर दीजिए उस जीवन के बारे में सीखने के लिए जो आपने अभी अभी ग्रहण किया है, और अपने विश्वास को मजबूत बनाना शुरू कर दीजिए यीशु मसीह में। अगर आप इसे आज डाउनलोड नहीं कर पाते हैं और आप चाहते हैं पोस्ट के द्वारा हम आपको एक कॉपी भेजें, हमें अपना पता भेजिए। हमें खुशी होगी आपको ये पुस्तक भेजकर। परमेश्वर आपको आशीष दे। और ये समय है भेंट और दशमांश देने का। सही, दशमांश जरूरी है। मत कहिएगा तू मेरी चाह तो पैसा मेरा, ये प्रेम नहीं है। दशमांश नहीं दे पा रहे हैं और कह रहे हैं प्रभु तू ही मेरा सब कुछ। मैंने कहा अच्छा तू ही मेरा सब कुछ, कुछ नहीं तो सच में आ जाइए। प्रेज द लॉर्ड। सो ये दशमांश भेंट पार्टनरशिप बीच बोने का समय, क्वायर का स्वागत कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर के लिए महिमा गा रहे हे, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। महिमा महिमा प्रभु, तुझको महिमा प्रभु। महिमा महिमा प्रभु, तू महान है। महिमा महिमा प्रभु, तुझको महिमा प्रभु। महिमा महिमा प्रभु, तू महान है। प्रभु महिमा महिमा प्रभु, तू महान है। महिमा महिमा प्रभु, केवल तुझको महिमा प्रभु। महिमा महिमा प्रभु, तू महान है। हम सब हाथ उठा कर गाएंगे ला 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 ला। La 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 la
प्रार्थना करेंगे भेंट के लिए, दशमांश के लिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, ये भेंट लाने का अनुग्रह, अवसर, योग्यता जो आपने हमें दी है, जैसे हमने दिया है आपके वचनों के अनुसार, हम आपके वचनों के अनुसार बढ़ी हुई फसल को ग्रहण करते हैं यीशु मसीह के नाम। हम इन भेंटों के ऊपर आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं, बढ़ोतरी के लिए प्रभु और आपके राज के विस्तार के लिए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सो बुरी यीशु आ रहा है, जल्दी आ रहा है। खुश हैं कि नहीं? यीशु आ रहा है जल्दी, वो हमारा कुछ नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। ओके, सो अनाउंसमेंट है, बहुत ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि दिसंबर का महीना है और नया साल शुरू हुआ है, तो अनाउंसमेंट थोड़े से हैं। सबसे पहला है थैंक्सगिविंग सर्विस है 19 दिसंबर, अवार्ड्स नाइट है 29 दिसंबर वेनसडे के, से अवार्ड्स नाइट, उस दिन मिडवीक नहीं होगी, मिडवीक की जगह अवार्ड्स नाइट है। और हमें पता है अवार्ड्स नाइट में डिनर होता है, तो अगर आपने पार्टनरशिप नहीं की थी तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए ताकि वहाँ पहुँच पाएँ। हालेलुया, अभी भी मौका है, 19 तारीख तक भी पार्टनरशिप दे दी तो आपका नाम लिस्ट में आ सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसके बाद जो हमारा सी गांव का प्रोग्राम होता है वो है 20 तारीख से लेके 30 तारीख तक, और हम कितने सेंटर बना रहे हैं, 100,000 सेंटर। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमें पता है ये सब क्या है, संभव है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो खड़े होंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, बोले यीशु आ रहा है, जल्दी आ रहा है। ये परमेश्वर के बचाने का समय है, ये परमेश्वर के अनुग्रह का समय है। पृथ्वी परमेश्वर की भलाई से भरी हुई है, पड़ोसी को बोली बोली पृथ्वी परमेश्वर की भलाई से भरी हुई है, पृथ्वी परमेश्वर की भलाई से भरी हुई है, यीशु के नाम में, आमीन। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी, यीशु मसीह के नाम में, हाँ। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूँगा, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। आनंद मनाइए, पृथ्वी किससे भरी हुई है, परमेश्वर की भलाई से। थैंक यू। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.